तो दोस्तों, आप लोग कॉर्ड से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको कॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसे ही पता चल जाएगा। मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, पावर कॉर्ड क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक के बाद एक इस वीडियो में आप लोगों के बीच ये सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक। मैं हूं के ललित आर्या और आप लोगों को हमारे YouTube चैनल मास्टर क्लास विद मास्टर केएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का लव एंड सपोर्ट के लिए। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए हमारे इस जर्नी में। इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं कॉर्ड के बारे में। तो आइए कॉर्ड के बारे में जानना शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कॉर्ड के बारे में यही बताना चाहूंगा कि कॉर्ड कैसे बनते हैं, क्या है, वो सारे डिटेल्स में आप लोगों को आज बताऊंगा दोस्तों। और उसके फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मेजर स्केल, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड और पावर कॉर्ड, ये तीन कॉर्ड के बारे में आज की वीडियोस में डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए स्केल के बारे में डिटेल्स बता चुका हूं, मेजर स्केल, माइनर स्केल। तो मेजर और माइनर स्केल से ही हमारा कॉर्ड बनेंगे दोस्तों। जैसे मेजर स्केल और माइनर स्केल का फॉर्मूला में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल्स बता चुका हूँ मेरे लास्ट वीडियो में। तो वो वीडियो आप बिना अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए, और एक बार बोलता हूँ मैं। तो आइए सबसे पहले मैं हमारा जो कॉर्ड आज की जो मेन टॉपिक है हमारा, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को मेजर कॉर्ड के बारे में, दूसरा है माइनर कॉर्ड के बारे में और तीसरा है पावर कॉर्ड के बारे में। ये कॉर्ड सब क्या हैं और कैसे बनते हैं, सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को एक के बाद एक बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा मेजर कॉर्ड है। तो मेजर कॉर्ड के बारे में डिटेल्स हम जानते हैं, मेजर कॉर्ड कैसे बनते हैं और क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मेजर स्केल से मेजर कॉर्ड बनते हैं, ये जान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक स्केल, सी मेजर स्केल लेते हैं। तो सी मेजर स्केल का निकालने का फॉर्मूला में बता दिया था दोस्तों, क्या था, टी टी एस टी 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 एस टी, टू टी एस टी, थ्री टी एस टी। इस फॉर्मूला को आप कोई भी स्पेसिफिक नोट को स्टार्टिंग नोट लेकर ये फॉर्मूला को ऐड करते करते जाएंगे तो आप लोगों को सी मेजर का सारे नोट मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो वो सपोज हम सी मेजर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सी मेजर कॉर्ड, राइट। तो कॉर्ड जानने से पहले हमको स्केल जानना पड़ता है दोस्तों, स्केल तो बता दिया हूं आप लोगों को। तो सी मेजर स्केल में हमारा कौन कौन सा नोट यूज होता है, सबसे पहले फर्स्ट नोट हमारा सी, सेकंड नोट हमारा डी, थर्ड नोट हमारा ई, फोर्थ नोट हमारा एफ, फिफ्थ नोट हमारा जी, सिक्स नोट हमारा ई है, सेवेंथ नोट, सॉरी जी के बाद ए आएगा दोस्तों, ई बोल रहा हूँ बाय मिस्टेकली, ओके, ए के बाद फिर बी, देन लास्ट नोट जो है हमारा ऑक्टेव नोट, फिर से सी आएगा। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये हमारा सी मेजर स्केल है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्केल ले सकते थे लेकिन हमारा स्टार्टिंग स्केल जो है सी मेजर स्केल है। तो सी मेजर स्केल को फॉर एग्जांपल हम लिए हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। तो ये सारे नोट हमारा सी मेजर स्केल का नोट है। और इसमें से हम कैसे कॉर्ड बनाएंगे, कॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक नोट को एक साथ हम प्रेस करते हैं, लाइक गिटार हो या फिर कीबोर्ड में हो। मैं आप लोग को दिखा दूंगा वीडियो में, अभी जो वीडियो चल रहा है उसके बाजू में वो भी चीज़ें दिखेगा आप लोग को आइडिया के लिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सी डी ई एफ जी ए बी सी हमारा मेजर कॉर्ड का नोट्स है या फिर मेजर स्केल का नोट्स बोल सकते हैं। अब कॉर्ड कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ से फॉर्मूला हमारा, कॉर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, ये इसको ट्रायोड बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों जी, कॉर्ड निकलेगा उसको ट्रायोड बोलेंगे, राइट। ट्रायोड मतलब तीन नोट से बना हुआ जो भी है ना। तो सी मेजर स्केल
सी मेजर कॉर्ड जो बनेगा यहाँ से, उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिया गया है नोट, तो आपको कौन कौन सा नंबर आपको यूज करना है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ और हमारा ऑक्टेव नोट 8, ये सेम नोट होता है। तो फर्स्ट नोट यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? सी है। थर्ड नोट कौन सा? ई है। फिफ्थ नोट कौन सा है दोस्तों? जी है। और हमारा 8 नोट सी। तो ये जो निकला है सी ई जी सी, ये हमारा सी मेजर स्केल का कॉर्ड बनेगा दोस्तों, राइट। इसी तरीके से कॉर्ड बनता है। अब सी मेजर की जगह में आप डी मेजर ले सकते हैं या सी शार्प मेजर ले सकते हैं। 12 नोट से कोई भी नोट आप लेकर उसका स्केल पहले बनाइए, फिर स्केल बनाकर उसको नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, और आपका कॉर्ड बनाने का फॉर्मूला क्या है? 1 3rd 5th then 8, करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग वहाँ से नोट को पिक कर लीजिए और वहाँ पर प्लेस कर देना है आपको। तो जो नोट आपको मिलेगा वो सी ई जी सी। कॉर्ड का मतलब क्या समझा है? मोर देन 2 or 3 नोट्स एक साथ हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड या गिटार में, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, ये याद रखिए। तो इसमें सी ई जी सी इस तरीके का नोट हमको ये स्केल से निकाल के प्रेस करना है कीबोर्ड या फिर गिटार में या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो कॉर्ड यूज किया जा सकता है दोस्तों। तो ये हमारा कॉर्ड बनेगा। कौन सा कॉर्ड बनेगा? मेजर कॉर्ड, राइट। मेजर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 3rd 5th then 8 मेजर स्केल से। तो आइए दोस्तों माइनर कॉर्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माइनर कॉर्ड कैसे बनता है, माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है? मेजर कॉर्ड तो जान चुके हैं आप लोग, माइनर कॉर्ड कैसे बनते हैं, माइनर स्केल के बारे में बता चुका हूँ, आइए माइनर कॉर्ड के बारे में जानते हैं। तो हमारा सेकेंड टॉपिक था माइनर कॉर्ड, राइट। तो देखते हैं माइनर कॉर्ड कैसे बनता है। कोई भी स्पेसिफिक नोट लेंगे और वो एक स्केल निकालेंगे, माइनर स्केल से माइनर कॉर्ड बनता है, ये याद रख लीजिए। मेजर कॉर्ड से मेजर स्केल से मेजर कॉर्ड बनेगा, माइनर स्केल से माइनर कॉर्ड बनेगा दोस्तों, ये याद रखिए। तो ये माइनर कॉर्ड, ओके, तो पहले हमको माइनर स्केल जानना पड़ेगा। सी माइनर स्केल देखते हैं, है ना। सी माइनर स्केल में क्या क्या, इसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों? फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, TST 2T ST 2T, राइट। इस तरीके का है। तो कोई भी स्पेसिफिक नोट लेंगे, फर्स्ट हमारा कितना नोट होना चाहिए? 8 नोट, 3 4 5 5 then 6 7 8। तो ये 7 से 8 हो गया, 8। अब इसमें क्या करेंगे? प्लेस करेंगे सी। हमारा फॉर्मूला प्लेस कर लेते हैं पहले। हमारा क्या? टी देन एस टी, टी टी एस टी देन टी देन टी, राइट। कोई भी स्पेसिफिक नोट लेंगे और उसको फर्स्ट एज ए नोट हमको लेना पड़ेगा। तो सी है, सी में टोन ऐड करेंगे तो क्या होगा? डी, डी में सेमी टोन ऐड करेंगे तो जैसे स्केल निकालते हैं ना वैसे ही दोस्तों, वही चीज़ें हम कर रहे हैं अभी। तो डी, डी में सेमी टोन ऐड करेंगे तो डी शार्प हो जाएगा, डी शार्प में टोन ऐड करेंगे तो एफ, एफ में टोन करेंगे तो जी, जी में टोन करेंगे तो जी शार्प, जी शार्प में टोन ऐड करेंगे तो ए शार्प, ए शार्प में टोन ऐड करेंगे तो सी। तो इस तरीके का हमारा माइनर स्केल हम निकालते हैं। आप लोग को पता है मैं लास्ट वीडियो में भी बोल चुका हूँ, इस तरीके का आपको निकालना है। फिर माइनर स्केल से क्या हम निकालते हैं दोस्तों? जैसे मेजर कॉर्ड निकालें, माइनर स्केल से हम फिर उसके बाद माइनर कॉर्ड निकालेंगे अभी। तो माइनर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला सेम मेजर कॉर्ड में जैसे फॉर्मूला था, सेम चीज माइनर कॉर्ड में भी है। क्या है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 8, राइट। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ देन 8। कॉर्ड क्या है मैं बता चुका हूँ, दो या दो से अधिक हम नोट को एक साथ प्रेस करते हैं कोई भी स्केल का, जो एक हार्मोनिक साउंड क्रिएट करता है दोस्तों, वो हमारा होगा कॉर्ड। तो ये 1 3 5th 8 जो है हमारा माइनर स्केल और मेजर स्केल का फॉर्मूला है। तो हमारा फर्स्ट नोट कौन सा है? सी है, तो सी को हम पिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना। देन थर्ड नोट कौन सा है दोस्तों? ये डी शार्प है, तो डी शार्प यूज करेंगे। तो फिफ्थ नोट कौन सा है? जी अगेन, राइट। तो ये जी यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और 8th नोट क्या है हमारा? सी।
तो इस तरीके से हमारा माइनर स्केल बनेगा। माइनर स्केल से हमको 1/3, 5/8 में जो 8 इस प्लेस में जो नोट रहेंगे उसको लाके यहाँ पे हमको प्लेसिंग करना है। जैसे कि फर्स्ट नोट सी हुआ, थर्ड नोट डी शार्प हुआ, फिफ्थ नोट जी, ऐसे यहीं से ही हमको लेना है कॉर्ड बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनर स्केल के बारे में। ठीक है, तो अभी जानते हैं पावर कॉर्ड। ये हमारा स्पेशल एक अजय बोनस आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा पावर कॉर्ड क्या है। पावर कॉर्ड इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारा दोनों हाथ में जब हम प्ले करते हैं इसमें लीड प्ले करते हैं तो इसमें पावर कॉर्ड को भी हमको प्ले करना पड़ता है जब पियानो बजाते हैं। पावर कॉर्ड क्या है, हम ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे डिस्टर्शन गिटार में, जब रॉक गिटार बोलते हैं उसको, रॉक गिटार में ज़्यादातर डिस्टर्शन गिटार जो बजता है, डिस्टर्शन पार्ट जो बजाते हैं वो पावर कॉर्ड यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं पावर कॉर्ड और कैसे बनता है और क्या है। आइए, ये माइनर कॉर्ड आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए पावर कॉर्ड के बारे में डिटेल्स जानते हैं दोस्तों। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, यही आशा करते हैं आप लोगों से, और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें मैं लाता रहूँगा दोस्तों। तो आइए पावर कॉर्ड क्या है, तो पावर कॉर्ड जो है हमारी वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत ज़्यादा काम आता है दोस्तों। तो ये पावर कॉर्ड कैसे हमको जानना है, क्या है पावर कॉर्ड, कैसे हम बजा सकते हैं, जैसे कि बता दिया हूँ आप लोगों को, पावर कॉर्ड जो है ज़्यादातर हमारा डिस्टर्शन गिटार में रॉक गिटारिस्ट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और पावर कॉर्ड जो पियानो बजाने के लिए हम जो लेफ्ट हैंड में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो पावर कॉर्ड में ही ज़्यादा हमारा कॉर्ड जो है प्रोग्रेशन जो है वो पावर कॉर्ड से ही लिया जाता है ज़्यादातर। तो देखते हैं पावर कॉर्ड बनता कैसे है और आप लोग गिटार और पियानो में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पावर कॉर्ड जो है हमारा मेजर स्केल या माइनर स्केल वो उसमें उतना आपको अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। हमारा कोई भी एक स्केल उठाना है, जैसे कि मेजर स्केल में हमारा मेजर सी मेजर स्केल में क्या हुआ था, सी मेजर कॉर्ड में हम कौन कौन सा नोट लिए हैं दोस्तों, 1/3, 5, then 8 लेते हैं। तो क्या क्या मिला था, सी, फिर उसके बाद ई मिला था और जी, देन सी, इस तरीके से मिला था, राइट। और ये था मेजर में, है ना, और ये माइनर में क्या मिला था, सी डी शार्प जी एंड सी, इस तरीके से मिला था। ये माइनर में सी ई जी सी मिला था कॉर्ड हमको, और माइनर में सी माइनर में क्या मिला था, सी डी शार्प जी सी मिला था। तो पावर कॉर्ड निकालने के लिए हमें थर्ड नोट की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो पावर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, फिर पावर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ओनली 1/5 नोट। आप 8 नोट यूज कर सकते हो लेकिन 2 ही नोट को लेकर हमारा क्या होगा, पावर कॉर्ड बनता है। तो हमारा ये सी सी पावर कॉर्ड कैसे बनेगा दोस्तों, सी और जी और सी इतना ही हम पकड़ लेते हैं तो ये हमारा पावर कॉर्ड बन जाता है। तो मैं पियानो में किस तरीके का उसको यूज़ करते हैं, मैं साइड में वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से पावर कॉर्ड बनता है दोस्तों, राइट। सी मेजर में मेजर माइनर को डिफ्रेंशिएट किया गया है, सी ई जी सी, देन माइनर का सी डी शार्प जी सी। तो ये थर्ड नोट हमारा जो है काम में नहीं आने वाला, राइट। पावर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या, 1/5, ठीक है, इसको परफेक्ट फिफ्थ भी बोला जाता है, 1/5, 8। ये तो इसमें क्या कौन सा निकलेगा, सी जी सी, इस तरीके का हमारा पावर कॉर्ड जो है बनेगा दोस्तों। तो होपफुली ये पावर कॉर्ड क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। होपफुली आप लोगों को आज का चैप्टर हमारा सेकेंड चैप्टर कॉर्ड टॉपिक हमारा था कॉर्ड, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज की टॉपिक में क्या क्या सीखे हैं दोस्तों, कॉर्ड के बारे में जाने हैं, कॉर्ड क्या होता है, मेजर और माइनर कॉर्ड क्या होता है, मेजर स्केल और माइनर स्केल से बनता है मेजर और माइनर कॉर्ड, इसका फॉर्मूला क्या बताऊँ, 1/3, 5, then 8। 1/3, 5 ही अगर आप पकड़ लेते हैं तो वो उतना भी काफ़ी हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों को बताया हूँ हमारा पावर कॉर्ड के बारे में, पावर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 1/5।
आप मेजर स्केल लो या फिर माइनर स्केल लो, उसमें से वन एंड फिफ्थ नोट को आपको एक साथ पकड़ना होता है। वो अगर पकड़ लिए तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पावर कॉर्ड। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं के ललित आर्य आप लोगों से विदा लेता हूँ आज की वीडियो में, बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों एंडिंग में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर से, आप लोगों का लाइक कमेंट और शेयर उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, लव एंड सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे इस चैनल को मास्टर क्लास विद मास्टर केएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ना भूलिएगा दोस्तों, ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।